अब खुदा को बंदा कौन सा पसंद है? खुदा को बंदा वो पसंद है जो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, किसके साथ? अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करता हो। जिसको अल्लाह ताला की मखलूक नहीं पसंद, जो अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक के साथ भेदभाव करता है, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जुल्म करता है, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है, उनका हक मारता है, और इतना कुछ करने के बाद फिर ये समझता कि मैं बड़ा मजहबी आदमी हूं, मैं बड़ा धर्मी बंदा बन गया हूं, और मैं तो खुदा के रास्ते में खर्च करता हूं, खैरात कर रहा हूं। तो जब तक वो मखलूक के साथ अपना जुल्म बंद नहीं करेगा, तब तक वो खुदा का महबूब बंदा नहीं बन सकता है। सुबतक दीन एक बंदे का नाम है, आज से कई 100 साल पहले पैदा हुआ, किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जर्नैल था, शिकार खेलने गया। तो उस दौर में शिकार के ऊपर ही रोजगार होता था, मतलब एक आधा बड़ा जानवर मार लिया, वो लोग खाते रहते थे, हफ्ते बाद फिर दूसरा तलाश कर लिया। तो कहते मैं शिकार खेलने के लिए गया तो उस दिन कोई जानवर ही नहीं मिला, तो वापस आने लगा तो एक छोटा सा हिरनी का बच्चा मिल गया। तो तीर तो नहीं मारा क्योंकि बच्चा था, वैसे ही पकड़ में आ गया, पकड़ के घोड़े पे रखा, लेके वापस चल पड़े। और फरमाते हैं कि जब मैं अपने कस्बे में, अपने शहर में दाखिल हो रहा था तो एक जगह रुका नमाज के लिए, वजू के लिए, अपना घोड़ा जब मैंने रोका तो जब उससे उतरा तो उस बच्चे को बांध दिया एक जगह, तो मैंने क्या देखा कि उस बच्चे की माँ जो है हिरनी, वो भी पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती वहाँ तक आ गई। अब दो तरह के लोग होते हैं ना, अक्सर शिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि जब ये आ गया तो इसके पीछे पीछे इसकी माँ आ गई, मतलब बड़ा शिकार भी साथ में ही मिल गया है। चोर चोरी करने जाता है, उसका इरादा होता है इस घर में थोड़े पैसे, जब ज्यादा देखता सोचता बड़ा हाथ लग गया आज। तो सुबकक दीन जो थे, जब उन्होंने देखा कि उसकी माँ भी पीछे पीछे आ गई तो उनके दिल में ख्याल आया, 5 वक्ता नमाजी थे, तो ख्याल आया दिल में कि यार देखो इसकी माँ पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है, अब ये तो गैरत की बात नहीं है ना कि मैं इसकी माँ को भी पकड़ लूँ, ये तो तरीका नहीं है कोई समाज का कि कोई बंदा किसी को छुड़वाने जाए तो उसको भी पकड़ लिया जाए, ये तो समाज की व्यवस्था में नहीं है, ये जालिम लोग करते हैं। तो कहने लगा कि मैंने ये इरादा किया कि चलो इसको ऐसा करता हूं कि इसके बच्चे को छोड़ देता हूं, फिर कभी दोबारा जाएंगे जंगल में, जो कुछ मिल जाएगा देखी जाएगी। तो कहने लगे कि मैंने उसके बच्चे को छोड़ दिया, नमाज पढ़ी, रात को घर पहुंचा, इत्मीनान से खाना वाना खाया, तो रात को सो गया, तो ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया अल्लाह ताला ने तेरे बारे में कहा कि तू तो अल्लाह की मखलूक से बड़ी सिला रहमी करता है, क्या अगर तुझे इंसानों पे भी बादशाह बना दे तो उनके साथ भी ऐसा ही करेगा? तुझे इंसानों पे अगर बादशाह बना दे तो क्या तू उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेगा, यही बर्ताव होगा, यही वतीरा होगा जैसे आज किया कि हिरनी को पकड़ने की बजाय उसके बच्चे को भी छोड़ दिया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई है? तो उन्होंने ख्वाब में ही कहा कि मैं तो इस काबिल कहां हूं, आपकी ज़ियारत हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। फरमाते आँख खुल गई, 1 महीने में ही उसी दरबार का बादशाह बन गया। और ये सुबकक दीन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ कोई मामूली आदमी नहीं है, तारीख़ इस्लाम के सबसे मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गज़वनी के वालिद हैं ये कोई नस्लन बादशाह नहीं थे, नस्लन बादशाह नहीं थे, बाप ने एक नेकी की अल्लाह ताला ने कितनी सदियों तक तख्त अदा कर दिया नस्लों को, क्यों?
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ नरमी की है, अल्लाह तआला की मखलूक के साथ सिला रहमी की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ, यहां तक सहाबा को फरमाया कि जब किसी बस्ती में जाओ खेतियों को नुकसान ना पहुंचाना, इन पेड़ पौधों को आग मत लगाना। लोगों का रवाज था कि जब कोई मुल्क फतह करते थे मकान खेतियां दरख्त सब जला देते थे ताकि दूसरों पर खौफ डाला जा सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, खेतों को नहीं जलाना, लोगों के दरख्तों को मत नुकसान पहुंचाना। इस हद तक एहतराम का हुक्म दिया। पानी अल्लाह की मखलूक है, फरमाया कि अगर दरिया के किनारे बैठ के भी वजू करने लगो तो बस उतना पानी इस्तेमाल करना जितनी जरूरत है, बाकी पानी को गंदा नहीं किया जाना चाहिए। यह भी तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमारे यहां तो जो जिंदा मखलूक है जिनको हम इंसान कहते हैं, जो हमारे साथ चलते फिरते हैं, हम उनकी रियायत नहीं करते, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। कोई मालिक सोचते हैं अपने मजदूर के जितने पैसे मार सकता हूं मार लो, नौकर सोचता है कि मालिक की जितनी ठगी मारी जा सकती है मारो, मियां बीवी सोचते हैं मां बाप को जितना गुमराह कर सकते हैं करो, पड़ोसी सोचता है पड़ोसी का जितना नुकसान कर सकता हूं करो। तो ये जो लोग खुदा की मखलूक का नुकसान बनाने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं, ये जिन लोगों ने इरादा किया है कि अल्लाह की मखलूक को तंग करना है, जो ये समझते हैं कि खुदा तबारक व तआला की पकड़ नहीं आएगी, लेकिन जब फिर वो पकड़ता है तो कुछ छुड़वाता कोई नहीं, वो पकड़ लेता है तो छुड़वाता कोई नहीं है। जो लोग मखलूक के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फिर उनका वक्त आ जाता है, फिर ऐसे लोग उन पर मुसल्लत हो जाते हैं जो उसका एक एक चीज का हिसाब लेते हैं तो फिर पछताते हैं कि काश हमने जुल्म और ज्यादती ना की हो। एक वाक्या मैंने अक्सर पहले भी आपको एक दो मरतबा सुनाया कि मुल्ला रूमी ने हिकायतें में लिखी, हिकायतें कहते हैं जो कहानियां बनाई जाती हैं, उसने लिखा कि एक दरख्त के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो चिड़िया ने दूर से एक बंदे को देखा, बड़ा खूबसूरत बंदा, चेहरे के साथ लगता था दीनदार है, बढ़िया आदमी है, तो चिड़िया ने चिड़े को कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बंदा आ रहा हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो चिड़ा कहने लगा नहीं नहीं देखो ये अपनी शक्ल के साथ कोई जालिम नहीं लग रहा, ये देखने में कोई शिकारी नहीं लग रहा, इससे क्या खतरा हो सकता है, इसके हाथ में तीर कमान नहीं है, दूर से जरा ध्यान से देखो कि इसके कपड़े भी वैसे नहीं है शिकारियों जैसे, कोई बात नहीं हम लोग आपस में यहां से उड़ने की जरूरत नहीं है ये गुजर जाएगा। अभी बात ही कर रहे थे कि एक तीर आया वो चिड़े के लगा और अपने साथ ही चिड़े को ले गया, चिड़िया ने जाके बादशाह वक्त की अदालत में मुकदमा कर दिया कि फलां आदमी ने मेरे चिड़े को मारा है। जब अदालत लगी गवाह बुलाए गए, साबित हो गया कि वाकई इस बंदे ने चिड़े को मारा, तो बादशाह ने चिड़िया से पूछा था कि इस बंदे को क्या सज़ा देनी है, क्या इसको भी मार दें तीर मार के। उस चिड़िया ने जो बात कही वो बड़ी कीमती, कहने लगी मैं इससे इस बात का बदला नहीं लेना चाहती हूँ कि इसने चिड़े को मार दिया। बादशाह साहब हम दोनों मियाँ बीवी जब बैठ के इसे देख रहे थे तो दूर से ये हमें कोई दुनियादार बंदा लगा, दूर से कोई अच्छा बंदा लगा, दूर से देखने में अल्लाह वाला लगा, दूर से देखने में तो इसके कपड़े जो थे हमें ऐसे लगे जैसे पीरों फकीरों के होते हैं, ये दूर से देखने में तो बहुत बड़ा वली लग रहा था, लेकिन अचानक इसने अपनी चादर उतारी, छुपा हुआ तीर कमान निकाला और तीर मार दिया। बादशाह साहब मैं ये अब चाहती हूं कि एक कानून बनाया जाए कि जो शिकारी है वो शिकारियों वाले कपड़े पहने ताकि कोई देख के धोखा ना खा सके कि ये बेईमान आदमी जो है वो दूसरों को भेष बदल के धोखा दे जाते हैं। ये तय होना चाहिए शिकारी शिकारियों वाले कपड़े पहने, पुलिस पुलिस वाले कपड़े पहने, ईमानदार ईमानदारों वाले पहने, ताकि उनके कपड़ों से उनका किरदार तय होता है,
सफेद लिबास में अगर कोई डाकू बन जाएगा तो इसका मतलब वो अपनी कौम को धोखा दे रहा है सफेद लिबास पे। उसने बड़ी कीमती बात कही, कहने लगी ऐसा कानून बना दो ताकि दोबारा कोई इनसे धोखा ना खा सके।